क्वेश्चन नंबर टेन क्या है एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 40 केजी इज रेज टू अ हाइट ऑफ 5 मीटर अबव दी ग्राउंड व्हाट इज इट्स पोटेंशियल एनर्जी इफ द ऑब्जेक्ट इज अलाउड टू फॉल फाइंड इट्स काइनेटिक एनर्जी व्हेन इट इज हाफ वे डाउन ठीक है ये ग्राउंड लेवल है एक ऑब्जेक्ट को आपने इस लेवल तक पहुंचा दिया जहां पर इसकी हाइट कितनी हो गई 5 मीटर ठीक है अब पहले तो इस पोजीशन पे आपको इसकी पोटेंशियल एनर्जी बतानी है ई पी क्या होगा फिर आपने इसको फ्री फॉल के लिए छोड़ दिया ये नीचे आना शुरू हुआ और इसके हाफ वे में हाइट कितनी बची 2.5 मीटर इस समय इस ऑब्जेक्ट की काइनेटिक एनर्जी आपको बतानी है ई के ठीक है अब आपको क्वेश्चन समझ में आ गया चलिए इसको सॉल्व करते हैं पहले क्या है ऑब्जेक्ट दिया हुआ है ठीक है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट एच है ये फाइव मीटर ठीक है जी यहाँ पर हम जी को टेन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेकर के चलेंगे क्या है एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है नाइन पॉइंट एट भी आप लेना चाहें तो ले सकते हैं क्योंकि क्वेश्चन में कहीं नहीं दिया हुआ है आप नाइन पॉइंट एट लीजिए या टेन टेन हमने इसलिए लिया ताकि आपको कैलकुलेशन में ईजी हो ठीक है तो अब इस पोजीशन पे पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी इक्वल टू एम इंटू जी इंटू एच एम जी एच ठीक है फोर्टी इंटू टेन इंटू फाइव तो यहां पर पोटेंशियल एनर्जी क्या हुई टू थाउजेंड जूल ठीक है टू थाउजेंड जूल पोटेंशियल एनर्जी है यहां पे अब ध्यान से देखिएगा पूछा जा रहा है यहाँ काइनेटिक एनर्जी क्या होगी सबसे पहले तो ये देखिए जब ये नीचे आएगा तब यहाँ पर 2.5 मीटर पे आते आते इसकी पोटेंशियल एनर्जी लॉस होती चली जा रही है ठीक है तो यहां पर जितनी पोटेंशियल एनर्जी रह जाएगी वो क्या है जितनी लॉस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी है वही इसकी काइनेटिक एनर्जी होगी कैसे आपको एनर्जी कंजर्वेशन का फॉर्मूला पता है कि टोटल एनर्जी क्या होता था टोटल एनर्जी इज इक्वल्स टू पोटेंशियल एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी प्लस कैनेटिक एनर्जी ठीक है तो कैनेटिक एनर्जी जब यहां फाइव मीटर पे रखा हुआ था उस समय इसकी कैनेटिक एनर्जी जीरो थी ठीक है ना अब जब ये फॉल होने लगा तो टू पॉइंट फीव फाइव मीटर पे आते आते, आते आपको कैनेटिक एनर्जी बतानी है तो जितनी पोटेंशियल एनर्जी कम हो गई उसके इक्वलेंट कैनेटिक एनर्जी हो जाएगी वही यहां पर स्टेटमेंट लिख दीजिए कैनेटिक एनर्जी इंक्रीज विल इक्वल टू द लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी अब लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी निकाल लीजिए कैसे निकालेंगे पोटेंशियल एनर्जी ई पी है टू पॉइंट फाइव मीटर यहां पर एच की वैल्यू जो है टू पॉइंट फाइव हो गई तो फोर्टी मास तो चेंज नहीं हुआ फोर्टी ही है जी भी चेंज नहीं हुआ टी 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ही है हाइट चेंज हो गई टू पॉइंट फाइव तो यहां एनर्जी कितनी आ गई वन थाउजेंड जे तो अब लॉस लौ, कितना हुआ पोटेंशियल एनर्जी में लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी कितनी है ये टू थाउजेंड जे था अब ये थाउजेंड जे है तो टू थाउजेंड थाउजेंड करेंगे तो कितना आएगा वन थाउजेंड जे तो पोटेंशियल एनर्जी वन थाउजेंड जूल कम हो गई मींस इतनी ही काइनेटिक एनर्जी वहां पे आ गई है है ठीक तो काइनेटिक एनर्जी आप ऑब्जेक्ट व्हेन इट इज हाफ वे डाउन विल बी वन थाउजेंड जे ठीक है तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं इसका एक दूसरा तरीका भी आप यूज कर सकते हैं कौन सा मेथड यूज कर सकते हैं आपको कैनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला पता है कैनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या है ठीक है अब हाफ एम आपको पता है फोर्टी है इसका मास वी पता करना है वी स्क्वायर पता करना है वी पता करना है तो वी कैसे पता करेंगे यहां पर जब फाइव मीटर पे ऑब्जेक्ट था फिर से इस फिगर को हम देखते हैं इसको इरेज कर देते हैं और फिर से इस फिगर को समझने की कोशिश करते हैं तो जब ऑब्जेक्ट यहां पर था ये ग्राउंड लेवल था ठीक है तब इसकी हाइट कितनी थी जो है मीटर और यू क्या था इनिशियल वेलोसिटी थी जीरो मीटर पर सेकेंड अब यहां पर आ गया तब इसकी हाइट कितनी हो गई डिस्टेंस ट्रेवल कितना हो गया हाफ वे में कितना हो गया टू पॉइंट फाइव मीटर मीन एस इक्वल टू टू पॉइंट फाइव मीटर हो गया V आपको पता करना है अब कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे V स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर माइनस जीरो g की वैल्यू आपका एक्सिलेशन ड्यू टू ग्रेविटी और हाइट डिस्टेंस कितनी चले गई टू पॉइंट फाइव तो वी स्क्वायर क्या आ गया वी स्क्वायर इज टू कितना हो जाएगा 20 2.5 ये हो जाएगा हमारा 50 ठीक है अब v स्क्वायर v स्क्वायर की वैल्यू सीधे यहाँ पुट कर दीजिए 1/2 mv स्क्वायर में 1/2 40 into v स्क्वायर कितना हो गया सॉरी 4 लिख गया था 4 50 अब इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो भी आपका e के कितना आ जाएगा 1000 जूल जो हमने यहाँ से भी निकाला था इसकी पोटेंशियल एनर्जी को जो लॉस हुआ है उसके थ्रू ठीक है तो इस फॉर्मूले से भी अगर आप निकालना चाहें तो ऐसे भी निकाल सकते हैं और इसको निकालना चाहे एमजीएच के फॉर्मूले से कि कितना पोटेंशियल एनर्जी लॉस हुआ है तो ऐसे भी निकाल सकते हैं ओके दोनों मेथड मैंने आपको बता दिए जो आपको इजी लगे उससे आप इसको सॉल्व कीजिए